लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका। सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। चले जाएंगे तुझे तेरे हाल पर छोड़कर, कदर क्या होती है ये तुझे वक्त बता देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी। वाकई में दोस्तों, जब चीज़ें हमारे पास होती हैं तब हमें कदर नहीं होती, और जब वो चीज़ बहुत दूर चली जाती है तब उस चीज़ का उसका एहसास हमें होता है। चाहे वो हम चाहे वो जीवित हैं चाहे वो जीवित नहीं भी हों, ये चीज़ जो है ये मायने यहाँ पर नहीं रखती हैं। लेकिन वाकई में फिलहाल हमें कदर जो है सबसे पहले यानी कि समय की भी कर लेनी चाहिए कि जो समय फिलहाल आज हमारे पास है उसी में जिए, उसी में आनंदित रहें, उसी को एंजॉय करें, क्योंकि कल का यहाँ पर किसी को किसी भी बात का यहाँ पर भरोसा नहीं है कि कल क्या होने वाला है, या तो क्योंकि भगवान भी नहीं जानते कि कल क्या होगा यहाँ पर फिलहाल दोस्तों, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता सिवाय उस ईश्वर के, उस भगवान के जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। फिलहाल दोस्तों इस प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं, और मेरे साथ हैं सुनील कुमार जी, एस्ट्रोलॉजर। सुनील जी वेलकम टू द प्रोग्राम। और सुनील जी, अक्सर हमारा प्रोग्राम आपको भी पता है कि डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो आपकी हैं चाहे मेरी हैं चाहे किसी की भी क्यों, यानी कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स रहती हैं, राइट। तो ज़्यादा करके ईमेल्स जो भी हम पढ़ते हैं देखते हैं, तो और इसी के साथ साथ व्हाट्सएप में भी ज़्यादा करके जो हमें मैसेजेस आते हैं, और इसी के साथ यानी कि फ़ोन कॉल्स भी कई बार हमें इतने ज़्यादा आते हैं। हालांकि मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने फ़ोन के ऊपर कोई अपनी प्रॉब्लम हमें डिस्कस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। लेकिन इसके बावजूद भी चलो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ कि कई बार फ़ोन कॉल्स पे यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उन्होंने बातचीत की, और वो प्रॉब्लम रही कि हमारी बीमारियों को लेकर। तो ये बीमारियों का जो जड़ है वो कहाँ पर है और क्यों ऐसी जो नौबत है वो आती है? बीमारियों के लेके मुझे सही कह रहे हैं कविता जी कि मेरे को काफ़ी कॉल्स आई हैं जो लोगों ने कहा है कि आप हमें बीमारी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि हमें उससे निजात मिले, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो रहा है, कोई कमी नहीं रही, अस्पताल में भी दाखिल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन बीमारी कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपकी कुंडली का छेवां घर, उसमें बैठा हुआ ग्रह, उसमें बैठी हुई राशि डिसाइड करती है कि बीमारी आपको किस हद तक तंग करेगी। सूर्य खराब है, बोन्स में दिक्कत आ जाएगी, सर में दिक्कत आएगी, सर दर्द दी जाएगा, आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगी। चंद्र खराब है, मेंटली वीक हो जाएंगे, मेंटली वीक होंगे तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेंगी। बुध की बात करूं तो किडनीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपके, कहीं ना कहीं या तो कुछ यूरिक एसिड की आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। अगर मैं आगे गुरु की बात करूं तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हर घर में है, बहुत कॉमन है, बुध की गुरु की वजह से डायबिटीज़ की शिकायत बहुत रहती है लोगों को। उसके बाद में अगर बात करूं मंगल की बात करूं तो मंगल की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मंगल कारक है आपके ब्लड का, ब्लड को लेके आपको कोई ना कोई दिक्कत चलती रहेगी। चंद्र की मैं बात कर रहा था, चंद्र भी ब्लड का कारक कहीं ना कहीं है, क्योंकि चंद्र जो लिक्विडिटी का कारक है, जो आपके शरीर में जो जल है, जो आपके शरीर में अंदर ब्लड चल रहा है, जो लिक्विड फॉर्म में है, ये चंद्र के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो मंगल की जब प्रॉब्लम आती है तो ब्लड को लेके कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, और केवल संगीन बीमारियां भी लग जाती हैं। इसके बाद बात करूंगा शुक्र की, शुक्र भी आपकी किडनीज पे इफेक्ट करते हैं, शुक्र खराब होते हैं तो किडनीज की प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा आ जाती है, डायलिसिस तक हो जाते हैं ऐसे केसेस में। उसके बाद बात करूंगा केतु और राहु की, राहु की वजह से, क्योंकि राहु एक शैडोई प्लेनेट है, पहले तो ये डिजीज डायग्नोज नहीं होने देता,
ये आप टेस्ट करवाते हैं और आपकी ये शिकायत रहती है कि डॉक्टर की भी ये चीज शिकायत आपके पास रहती है कि आपका जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा कि जड़ कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, बीमारी कहाँ से ठीक हो दिक्कत दे रही है आपको, ये राहु के वजह से ये काम होता है। केतु खराब होता है तो पेट की प्रॉब्लम्स रहती है, पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है आपको, लूज मोशंस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा पेट को लेकर, आपका पेट स्टेबल नहीं होगा। ये मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताई हैं और मैंने सिर्फ 1% बताया है बीमारियों का। बीमारियों का कारक जो है शनि देव महाराज जिसको कहा जाता है, शनि जब खराब होते हैं ये क्रॉनिकल डिजीज दे देते हैं आपके शरीर को, ऐसी ऐसी लंबी बीमारियां दे देते हैं जो आपको बेड के साथ जोड़ देती हैं, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने आपको बताया कि बीमारियां कैसे होती हैं, कैसे ग्रह के साथ जुड़ी होती हैं और कौन सी ग्रह के साथ कौन सी बीमारी आ सकती है। जो क्रॉनिकल डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ ये तो शनि के साथ जुड़े हुए हैं, जो नॉर्मल बीमारियां हैं जैसे सर दर्द है, ब्लड में कोई दिक्कत आ रही है, बीपी आपका अप और डाउन हो रहा है बार बार, ये अलग अलग प्लैनेट्स का जुड़ी होती हैं। ये आपकी कुंडली में देखा जाता है कि आपका कौन सा ग्रह वीक है, कौन सा ग्रह की वजह से कौन सी बीमारी आपको निकल के आ रही है, उसके इलाज उसी हिसाब से होते हैं। एक मुझे बहुत कॉमन मेल्स भी आई हैं, कॉल्स भी लोगों ने की हैं कि जोड़ों का दर्द लोगों को बहुत रह रहा है, एक ज्वाइंट पेन्स है, एक बॉडी पेन्स है। इसके लिए मैं आपको एक आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन का एक रेमेडी बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत सस्ते में मिलेगी और शायद ये आपको कहीं भी ना मिले। गिलोय आपने सुनी होगी। मैं आयुर्वेदिक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेदिक के बिना अधूरी है, आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कोई ना कोई ऐसी रेमेडीज निकालता रहता हूं जो एस्ट्रोलॉजिकली भी हो और जो आयुर्वेदिक तरीके से भी आपकी हेल्प करे। बीमारी की आज बात कर रहे हैं, मैं जॉइंट पेन्स की बात कर रहा था, मैं जो घुटनों की दर्द रहती है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, इसके लिए एक आपको दोनों चीज़ों के लिए एक उपाय देने जा रहा हूँ। आपको सरसों का तेल लेना है। देखिए बीमारी ठीक कैसे होगी, ग्रह कैसे बीमारी ठीक करेंगे, हम ग्रह शनि की बात कर रहे थे, हम क्रॉनिकल डिजीज की बात कर रहे थे, शनि से ठीक करेंगे, शुक्र से ठीक करेंगे, बुध से ठीक करेंगे, कैसे ठीक होगी। जिनको जोड़ों की दिक्कत रहती है, जोड़ों के दर्द की दिक्कत रहती है, उनके लिए ये रेमेडी बताने जा रहा हूं। एक आप गिलोय आपने सुनी होगी, मार्केट से इजीली अवेलेबल है, उसको लीजिए। उसके अंदर कपूर की 2 या 3 टिक्कियां डाल दीजिए, उन टिक्कियों को, उन गिलोय वाले जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, इसको धूप में रख दीजिए, कड़कती धूप में रख दीजिए। जब उसमें जो कपूर की टिक्कियां हैं जब वो उड़ जाएंगी, वो उसमें खत्म हो जाएंगी, तो उस गिलोय के जो अब आपने घोल बनाया है इसको अपने जोड़ों में जहाँ दर्द आपको रह रहा है वहाँ पे थोड़ा सा मसाज करना है, मालिश नहीं करनी, सिर्फ मसाज करना है, रूटीन में कीजिए, आपकी जोड़ों की जो पेन है ये ठीक हो जाएगी। अब मैं बात करूँगा जिनकी बॉडी पेन्स रहती हैं और जिस हिस्से में पेन रहती है इसको कैसे ठीक करेंगे। शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन, दोबारा आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन, कैसे, कपूर की टिक्कियाँ दोबारा लीजिए, उसको सरसों के तेल में डालिए और 4-5 घंटे के लिए सूर्य के आगे रख दीजिए। सरसों का तेल लिया, कपूर की टिक्कियां ली, 2 टिक्के ले लीजिए, सफिशियंट है, एक एक लीटर में 2 टिक्कियां आपकी जो है वो काम कर जाएंगी। इसको लेके धूप में रखिए, इसको उसमें सुखाइए, जब कपूर की टिक्कियां सूख जाएंगी तो इस तेल को आप अपनी जहां आपकी बॉडी में पेन हो रहा है वहां लगाना शुरू कीजिए। मालिश नहीं करनी, सिर्फ मसाज करनी है और सीधा डायरेक्ट एसी की हवा से इसको आप दूर रखिए, आपका जो बॉडी पेन की शिकायत है और जोड़ों की दर्द की आपकी जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। ग्रह ऐसे ही ठीक करते हैं, आयुर्वेद ऐसे ही ठीक करता है, ऐसे नहीं कहा जाता कि एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद इकट्ठे चलते हैं, इसके बिना चल नहीं सकता, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ मेडिसिन बन जाती हैं ऐसी जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे देती हैं। तो ये 2 मेरे एक्सपेरिमेंट हैं, ये आप करके देखिए, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। मैं दोबारा कहूंगा मालिश नहीं करनी है, इसमें मसाज करना है सिर्फ, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। सुनील जी, ऐसे ही ये जो छोटी छोटी चाहे बीमारी आ रही है, अच्छा फिर यही फिर विकराल रूप ही ले लेती है, बड़ी बन जाती है, पहले पहले चीज छोटी होती है वो डायग्नोज होती है, उसकी मेडिसिन खाते हैं। देखो एलोपैथी क्या कर रही है, एलोपैथी उस बीमारी को दबा रही है लेकिन खत्म नहीं कर रही। हमारा जो आयुर्वेद है उस चीज को जड़ से खत्म करने का काम कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी उसमें और हेल्प कर रही है, वही के समय जरूर लगता है, लेकिन जड़ से खत्म हो जाती है।
तो जो आपको मैं रेमेडीज बताता हूँ इसको आप करके देखिए, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा जी। बाकी सब्र जो है वो तो रखना यहाँ जरूर पड़ेगा, चाहे किसी भी कार्य को लेकर है, थोड़ी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, सब्र रखिए। वो जो जो भी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं वो जरूर पूरा होगा, लेकिन यहाँ पर निष्ठा का होना भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिलहाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी, और मेरे साथ हैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी। इनके नंबर नोट कर सकते हैं आप, इनका फेसबुक पेज है द एस्ट्रो ओपीडी, उसको लाइक भी कीजिए, और इसके साथ साथ आपका जो सवाल है वो आप वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अपने जवाब हासिल कर सकते हैं। कोई इस शो के दौरान, प्रोग्राम के दरमियान आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे सर माथे होगी, हम इम्प्रूवमेंट करने की जरूर कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में आज का जो हमने मुद्दा उठाया, टॉपिक उठाया है, वो है बीमारियों को लेकर। सुनील जी, इसके लिए कोई नग वगैरह जो होते हैं, जो जेमस्टोन जिन्हें हम कहते हैं, बहुत जरूरी आपने बात पूछ ली है, शायद मैं भूल जाता, लेकिन आपने बहुत अच्छी चीज पूछ ली है। नग बीमारियों के केस में कब काम करते हैं? देखिए, जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, नोट कर लीजिए, जो खास करके एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ये चीज बता रहा हूं। जो ग्रह आपका उच्च का होता है उसका नग मत डालिए। यहां आपका गुरु बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, यहां आपने पुखराज डाल लिया, आपको लंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं चीज लिख के दे देता हूं, जो ग्रह उच्च का होता है उसका नग कभी नहीं डालना चाहिए। नग तब डलते हैं, जेमस्टोन तब डलते हैं जब ग्रह वीक पड़ा हो और उसको पावर देनी हो। एक आपको ऑलरेडी एक चीज अच्छी मिली हुई है, आप उसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज काम नहीं करेगी। खास करके कुंडली में जो ग्रह अच्छा होता है, जो ग्रह बहुत उच्च का पड़ा होता है, जो ग्रह अच्छी डिग्रीज में पड़ा होता है, खास करके उच्च पोजीशन में, उसको मत छेड़िए, उसको और स्ट्रांग मत कीजिए, वरना उसका नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो जाता है। यहाँ आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग पड़ा हुआ है, यहाँ आप ओपल डाल लेते हो, आप डायमंड डाल लेते हो किसी के कहने पर, आपकी किडनीज में दिक्कत आ जाएगी, यूरिक एसिड की आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और आपकी ये शिकायत हो जाएगी कि मुझे ये दिक्कत आनी शुरू हो गई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप रीजन ढूंढते फिरोगे, आपको रीजन आपके हाथ में डला हुआ और आपको पता भी नहीं हुआ। क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, ग्रह देखते हैं, ग्रह उच्च का है, इसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उसका नग डलवा देते हैं, और वो नग डाल के आपको अच्छा तो क्या होना है, आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो नग जो होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं, ये किसी बीमारी में हेल्प की ली जाती है इनकी। लेकिन खास करके इस रूल को जरूर याद रखिए, उच्च के ग्रह के नग बिल्कुल मत डालिए, और नीच के तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ उन ग्रह पे डालिए जो ग्रह अच्छी पोजीशन में पड़ा हुआ है लेकिन वीक है। देखिए, एक बच्चा है, उसको आप डाइट दोगे, अच्छी डाइट दोगे, तो आप उसको, उसकी बॉडी को हेल्दी कर दोगे। एक बच्चा ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है, उसको आप और दिन दोगे तो वो ओवर ईटिंग होगी, और उसके बाद रिजल्ट क्या होंगे ही आपको पता, आप सब समझदार हैं। ओवर ईटिंग मत कीजिए, नॉर्मल कीजिए, हाँ वीकनेस है डाइट दीजिए, ठीक हो जाएगी चीज, लेकिन ओवर ईटिंग करना ये नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसी ही हमारे पास जो एक ईमेल आज आई है वो है मनजिंदर सिंह की, और इन नवा शहर से इन्होंने हमें भेजी है, और इनका कहना है कि सुनील जी, मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, कोई भी फोन आता है या मैं किसी से भी बात करता हूँ, अगर कुछ ऐसी बात मुझे चुप जाती है, लग जाती है, तो मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, और जो गुस्सा है वो मेरा किसी भी तरह से, यानी कि गलत तरीके से भी कई बार निकल जाता है, तो नौबत यहाँ तक, यानी कि हाथ उठाने तक आ जाती है। तो इनका कहना है कि क्या आपके पास मेरी इस बीमारी का कोई हल है, उपाय है या फिर नहीं? मेरे पास हल हो या ना हो, लेकिन ज्योतिष में हर चीज का हल है। हल क्या है आपका? कुंडली मैंने आपकी चेक की थी, आज हम सिर्फ आपकी रेमेडी की बात करेंगे, कुंडली डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा जी। ये मनजिंदर सिंह, मनजिंदर जी, आपकी कुंडली जो मैंने देखी है उसमें कुछ कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है। केतु कहीं ना कहीं बीपी हाई कर देता है, इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताने जा रहा हूं। आपको गाय को चारा खिलाना है, और उसके बाद क्या करना है, आधा अधूरा ज्ञान लोग दे देते हैं, गाय को चारा डाल के आइए, गाय को चारा डाल के आइए, लेकिन उसके आगे क्या कीजिए ये किसी को नहीं पता, कोई नहीं बताता, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। ये कीजिए, बीपी की जो आपकी प्रॉब्लम है ठीक होनी शुरू हो जाएगी। चारा डालिए गाय को, जरूर डालिए, लेकिन जब चारा डालते हैं उसके बाद गाय के ऊपर हाथ फेरिए। हमारी संस्कृति कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी आयुर्वेद कहता है, इससे बीपी ठीक होता है। ये प्रॉब्लम जिन लोगों को भी रहती है,
मैं उस सभी के लिए उपाय बता रहा हूँ, ये सभी कर सकते हैं। गाय को चारा डालिए, जरूर डालिए, सेवा कीजिए, लेकिन गाय को साफ उसके पास खड़े होकर 5 मिनट तक उसको सहलाइए, उसके बॉडी पे हाथ लीजिए, उसकी बॉडी पे हाथ फेरिए। आप जैसे से हाथ फेरना शुरू करेंगे आपकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। देखिए उपाय बड़े सिंपल सिंपल है, बड़े सिंपल है लेकिन बताता कोई नहीं है। लाखों के लग डाले जा रहे हैं, लाखों के यंत्र मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन जड़ कहां से खत्म होगी? घर पे उपाय है, हम बाहर भाग रहे हैं। ये करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर आएगा, आपकी बीपी की प्रॉब्लम जरूर ठीक हो जाएगी जी। और इसी तरह से जो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज आया है वो है गुरप्रीत कौर का, और उनका कहना है कि मेरी सासू माँ जी है वो हेल्दी है काफी, और उनको हमेशा ही घुटनों की एक प्रॉब्लम रहती है और एलर्जी की भी प्रॉब्लम रहती है। तो मीन्स वो बिस्तर से उठते नहीं है, बहुत ही कम चलते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हमें सभी को है, उनको लेकर काफी चिंतित भी है। तो कुछ बताइए कि क्या हम उनके लिए कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि कोई नग या कोई स्टोन अगर आप सजेस्ट करें तो हम जी जैसे आपने ये प्रॉब्लम पूछी है, कुंडली आपने अपने उनके बेटे की भेजी है, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, तो इनके बेटे की कुंडली से मैंने कुछ कॉम्बिनेशन निकाल के इनके लिए एक रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप बता रहे हो कि ये बेड से नहीं उठ पाते, बहुत कम चलते हैं, एक तो मैं घुटनों की दर्द के लिए आपको रेमेडी पहले बता चुका हूँ, जो आपने कॉम्बिनेशन तैयार करना है जो मैंने बताया था इसी एपिसोड में। इसके अलावा उनके रूम में सेंधा नमक रखिए, वो नमक आपको रिजल्ट कैसे देगा? जब ये नमक का रंग येलो होना शुरू हो जाएगा, समझ लीजिए कि नेगेटिव चीज खत्म हो रही है। जो ये लेटे हुए हैं बेड के साथ जुड़ चुके हैं और बहुत कम उठते फिरते हैं, सेंधा नमक इनके रूम में रखिए, सिरेमिक बाउल में, जो मिट्टी के बाउल आते हैं, सिरेमिक बर्तन के जो बाउल आते हैं, उसमें नमक रखिए इनके सिरहाने, और वह उसको पड़ा रहने दीजिए। धीरे धीरे इनकी जो ये बीमारी है जो इनको बेड के साथ जो जिसने जोड़ के रखा हुआ है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और इस नमक को जैसे ही येलो टर्न होता जाता है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। करना किस दिन है? सैटरडे सुबह, शनिवार सुबह आपको ये जो रेमेडी है शुरू करनी है, इसके बाद उसको पड़ा रहने दीजिए और येलो होने पे इसको आप चेंज कर दीजिए जी। तो गुरप्रीत जी, आपके लिए बहुत ही सरल सा उपाय आपको बताया गया है। आपने सेंधा नमक लेना है, उसको मिट्टी के बर्तन में डाल के सुबह यानी कि शनिवार के दिन सुबह आपने डाल के रखना है, और जैसे इसका रंग येलो होता जाएगा, आपको खुद को भी एहसास हो जाएगा, पता चलता जाएगा कि वाकई में नेगेटिविटी जो है आपकी जो सासू माँ है, मदर इन लॉ है, उनके रूम में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इसे आप जरूर यूज में लाइए, इस्तेमाल में लाइए, और इसका रिजल्ट जो है वो आपको खुद ब खुद। एक चीज यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी कि गुरप्रीत जी नाम बताया उन्होंने, गुरप्रीत जी आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आज हर इंसान अपने को लेके चिंतित है जी। हर इंसान को अपना पड़ा हुआ है, हर इंसान को है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसको अपने जो बाकी सर्कल है उसका, यहाँ अपने बच्चे की चिंता है, यहाँ अपने पति की चिंता है, सास ससुर की चिंता बहुत कम लोग करते हैं जी। बहुत केसेस है मेरे पास ऐसे, आप मुझे, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा आपकी जो आपने मेल की, अपने जो आपने मैसेज हमें दिया है, आपकी सासू माँ जी के लिए आपने दिए, आपकी लाइफ में चार चांद जरूर लगेंगे, क्योंकि आप रिश्तों की इज्जत कर रहे हैं, आप अपना कहीं ना कहीं ग्रह आप खुद ठीक कर रहे हैं, तो आपको जो इसका बेनिफिट मिलेगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। सासू माँ के लिए पूछ रहे हैं, उपाय मैंने आपको बता दिया है, तो आपके लिए मैं तो ये यहाँ तक कहूंगा कि आप जब भी मेरे से मिलना चाहें, स्पेशली आप जब भी मिलना चाहें, आप अपना नाम नंबर देके मेरे से मिल सकते हैं, मैं आपसे कोई फीस चार्ज भी नहीं करूंगा, स्पेशल आपकी टीवी के लिए। तो फिलहाल गुरप्रीत जी, आपके लिए तो मेरे ख्याल से मजे यहाँ पर जरूर लग गए होंगे, काफी अच्छी बात जो है फिलहाल आपको यहाँ पर सुनने को मिली है। फिलहाल हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं, आप लोग भी इन्हें नोट कर सकते हैं और अपने लिए आज ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। मुलाकात जरूर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम इनके साथ डिस्कस कीजिए, और यहाँ पर ये बात भी आपको दावे साथ कही जाती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपके और हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के दरमियान ही रहती है, उसको किसी और थर्ड पर्सन के साथ डिस्कस नहीं किया जाता। तभी तो मैं कहती हूँ कि ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके ऊपर आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा।
आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको हासिल नहीं होगा, क्योंकि फोन उठाने वाला कई बार कोई हम लोग जैसे काम पर किसी को रख लेते हैं, या फिर कई बार फोन जो है कोई और पर्सन सेकंड पर्सन उठा लेता है, तो वो सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए ही रखा गया है उसको, ना कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको सोल्यूशन बताने के लिए, उनका आपको हल बताने के लिए रखा गया है। तो इसलिए आपने इन नंबरों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अपॉइंटमेंट ही फिक्स करनी है, और सुनील जी के साथ मुलाकात करने के लिए आपको इनके ऑफिस विजिट करना होगा, और अपनी जो प्रॉब्लम है वो आप इनके साथ बकायदा फेस टू फेस आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो सुनील जी, जिस तरह हमने अभी गुरप्रीत जी की ईमेल को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, व्हाट्सएप मैसेज को, और उन्होंने अपने मदर इन लॉ की कुंडली नहीं भेजी थी, लेकिन आपने बोला कि उनके बेटे की देखकर आपने, यानी कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, यानी उनकी जो कुंडली है जुड़ते हैं बिल्कुल जुड़ते हैं। ऐसे क्या ये बहुत रेयर केसेस में होता है क्या कि किसके पास अगर कुंडली नहीं होती है तो उनके बच्चों की कुंडली, क्योंकि देखिए जिस घर में एक फैमिली रह रही है, एक घर डिसाइड किया है ईश्वर ने कि इस घर में इस मदर के थ्रू या इस फादर के थ्रू इस बच्चे ने इस घर पे आना है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब कुंडलियां नहीं होती हैं, क्योंकि पुराने समय में लोग टाइम डेट ऑफ बर्थ नोट नहीं करते थे, तो उस केस में कुछ पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम होती है उसका जो निचोड़ होता है, उसकी जो हेल्प होती है, हम बच्चे के चार्ट से ले लेते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी इतनी नहीं होती, क्योंकि जो ब्लड सैंपल आपका है वो आप ही का है, लेकिन जो ब्लड सैंपल आपके बच्चे का है कहीं ना कहीं डीएनए आपका जरूर मैच करेगा, ब्लड सैंपल हो सकता है मैच करे ना करे, तो कहीं ना कहीं आपका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हल जरूर मिल जाता है। लेकिन अब अगर आप डिटेल्ड में एनालिसिस चाहते हैं तो फिर तो पर्टिकुलर बंदे की पर्टिकुलर कुंडली ही चाहिए होती है। तो आप कोई दिक्कत आपको है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, आपके पास कुंडली नहीं है, आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हल खुद भी ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं, या आपकी बच्चे की कुंडली दिखा के भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हम स्टोन्स की बात कर रहे थे या फिर जिस तरह से हम नगों की बात कर रहे थे, तो इनका जो इफेक्ट है वो कितने टाइम से शुरू हो जाता है, या फिर मीन्स ये ओरिजिनल है या फिर नहीं, इस बात का किस तरह से पता किया जाए? देखिए, सभी स्टोन्स को चेक करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका बना हुआ है, ये एक लंबा टॉपिक है, लंबी डिस्कशन है, तो मैं इसको ज्यादा ना मैं स्टोन्स को ज्यादा बढ़ावा भी ज्यादा नहीं देता, बिकॉज ये कहीं ना कहीं लोग इससे कमाई कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है उनका बिजनेस है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ रेकमेंड उस केस में करता हूं जहां मुझे लगे कि वहां इस यहां इसके प्लेनेट को सपोर्ट चाहिए, उस केस में मुझे इसको आपको बताना पड़ता है। डालिए ना डालिए कहीं से लीजिए, वो आपकी इच्छा है, ये आप तक ही डिपेंड करता है, मैं इस पर कुछ आपको नहीं कहूंगा, लेकिन हर चीज ओरिजिनल होनी चाहिए। आज मैं सरसों के तेल की बात कर रहा था कि सरसों के तेल का उपाय कीजिए, काम कब करेगा अगर सरसों का तेल ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल कैसे चेक किया जाएगा मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो लैब टेस्ट होता है, वो हर इंसान नहीं करवा सकता। सरसों को के तेल को फ्रिज में रखिए, अगर तो वो वहाँ फ्रिज में जम जाता है तो आपका तेल में मिलावट है और नकली है, अगर वो नहीं जमता तो वो तेल ओरिजिनल है। हर चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए, वजूद ही ओरिजिनल चीज़ का है। कई बार पुखराज डलवा दिए जाते हैं, नीलम डलवा दिए जाते हैं, मोती डलवा दिए जाते हैं, गुमेर डलवा दिए जाते हैं, लेकिन होते वो नकली हैं, या वो कहीं ना कहीं मिक्सिंग उनके में हुई होती है, या वो बहुत थर्ड क्वालिटी के होते हैं जो डलवा दिए जाते हैं, और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा ले ली जाती है आपसे। लेकिन एक्चुअली मैं अगर बात करें तो सस्ते स्टोन्स भी मिल जाते हैं, सस्ते जेम स्टोन्स भी मिल जाते हैं। अगर बीमारी की बात करें तो आपको उन सस्ते स्टोन्स जो हल्के होते हैं उनका दान करना चाहिए। दान कैसे, जैसे आपको किसी ने को बोला है कि आप चने की दाल जो है वो आप डाल के आइए, नदी में डाल के आइए, नहर में डाल के आइए, वहां अगर कहीं ना कहीं आपका जो इम्प्रूवमेंट की जा रही है आपके प्लेनेट की, उसमें पुखराज का सब्स्टिट्यूट डाल दिया जाता है, रिजल्ट ज्यादा बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि स्टोन सिर्फ डालने ही होते हैं, स्टोन्स का दान भी किया जाता है, स्टोन्स को ऑफर भी किया जाता है, दिया भी जाता है, क्योंकि रिजल्ट आप अगर आपको फास्ट चाहिए तो आपको जेम स्टोन्स का दान भी करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं बताता, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आने होते हैं ये बहुत फास्ट होते हैं, तो इसलिए जेम स्टोन डालिए तो आप अच्छे डालिए, वरना ना डालिए। वैसे तो मैं कहता हूं कि आपको रिलेशंस ठीक कीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। जेमस्टोन डालने आजकल सोसाइटी में फैशन बन चुका हुआ है, लोग अच्छा भी समझते हैं, मैंने भी डाल रखे हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल डाल रखे हुए हैं। आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, आज आपका प्यार मिल रहा है, आपकी इतनी मुझे मेल्स आती हैं, इतनी आप व्हाट्सएप करते हैं, आप इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे फेसबुक पे लाइक कर रहे हैं, ये किस वजह से है? कहीं ना कहीं मेरे भी स्टोन्स काम करते हैं,
ऐसे आपके भी ओरिजिनल स्टोन्स काम करते हैं। अगर स्टोन डालना है तो किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लीजिए, वरना यही स्टोन्स आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बीमारी वाले एपिसोड में आपको ये चीज बताई भी थी कि बीमारियां जो होती हैं ये जब खत्म करनी होती हैं कई बार स्टोन डाल दिए जाते हैं, लेकिन वो उच्च के स्टोन कई बार डाले जाते हैं ग्रह को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो बीमारी में कन्वर्ट कर देते हैं उस चीज को। तो वो चीज आप थोड़ी सी अवॉइड कीजिए, किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लीजिए। सलाहकार जो होना चाहिए बहुत समझदार होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद उसकी सलाह जो है काम करती है, वरना वही सलाहकार आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित और एस्ट्रोलॉजर का जो फर्क है उसे जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हर शहर में एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील और एक अच्छा पंडित तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी आपको जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल हमारे जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन्हीं नंबरों के ऊपर आप हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के साथ मुलाकात कर सकते हैं। यानी आपने अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है और इनके साथ मुलाकात करनी है, इनके ऑफिस विजिट करना है। तो फिलहाल आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आप बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम है, चाहे हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चाहे शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई जायदाद कोई इसको लेकर लड़ाई झगड़े को लेकर कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम है, पैसों के लेन देन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपका माइंड जो है, आपका मन जो है वो शांत नहीं है, भटकता रहता है, कहीं ना कहीं आप निराश होकर बैठे हैं, तो फिलहाल थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, एक बार उठिए और इन नंबरों के ऊपर कॉल करके आज अपने लिए अपॉइंटमेंट लीजिए और मुलाकात कीजिए एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के साथ, जो ना सिर्फ आपको यहाँ पर नॉलेज की बल्कि लॉजिकल जो बातें हैं उन्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। लॉजिक क्या रहता है इन बातों के पीछे, इन चीज़ों के पीछे, इसको डिटेल में यहाँ पर समझाते हैं हमें। और यही बातें जो है कहीं ना कहीं हमारे फैंस को क्लिक कर रही हैं, उन्हें पसंद आ रही हैं, और यही कारण है कि जो तादाद है इनके फैंस की वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल सुनील जी अपने इन्हीं बढ़ रही तादाद को, फैंस की, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि टिप्स जो है वो भी आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब ये बहुत ही सरल से, बहुत ही सॉफ्ट से उपाय जब आप बताते हैं जिनको हम हर कोई जो है यूज में ला सकते हैं। आज बीमारियों की बात हम कर रहे थे, तो जिनके घर में बीमारियां नहीं जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, खास करके शनि से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रॉनिकल डिजीज होते हैं जिनको, उनके लिए एक छोटी सी मैं रेमेडी देने जा रहा हूँ यहाँ पे। रेमेडी क्या है कि इनके हाथ से आप नमक का दान करवाइए, इनके हाथ से सरसों के तेल का दान करवाइए। इनके हाथ से सरसों का तेल का दान किसको करवाना है? जो मंदिर के बाहर भिखारी होते हैं या जो मांगने वाले होते हैं, इनको देना है, मंदिर में नहीं चढ़ाना। मैंने फर्क बताया था दान में और मंदिर में जाके चीज चढ़ाने में क्या फर्क होता है, दान की बात कर रहा हूं। इनके हाथ से इन चीजों का दान करवाइए, तेल का, सरसों के तेल का और नमक का जो दान है इनसे, इनके हाथ से करवाइए, ताकि इनकी बीमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो और जो डायग्नोज नहीं होती है वो डायग्नोज होनी शुरू हो जाए। तो मेरा आपको, मेरी बेस्ट विशेज भी है आपको, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप नंबर नोट करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज आपको मालूम ही है द एस्ट्रो ओपीडी, उस पर आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, मैं ऐसे ही इसको, जो शो चल रहा है ऐसे ही बरकरार रखूंगा, और आपके जो विशेज मेरे को मिल रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो प्यार है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुनील जी, और इसके साथ दोस्तों आप मुझे कविता सिंह को भी दीजिए इजाजत, अगली बार मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, नमस्कार। लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका, सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142, 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142, 7696286065।